गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं, हम सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन को लेकर चल रहे हैं। अपने इस चैप्टर में हमने अब तक जाना कि किस तरीके से पर्टिकुलर उस समय के दौरान चीज़ें बदली, किस तरीके से सबसे पहले यूरोप में सोशलिज्म का निर्माण होता हुआ चला और उसके बाद रशिया की क्रांति का यही एक कारण बना था। इसके बाद अब हम जान रहे थे पर्टिकुलर इस चीज़ के अंदर कि किस तरीके से पोस्ट वॉर एरा या अक्टूबर के बाद होने वाले इस रिवॉल्यूशन के कारण किस तरह के चेंज आए, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। मुख्य रूप से हमने ये जाना था कि उस समय के दौरान किस तरीके से सिविल वार एरा का समय रहा, सिविल वार के समय में किस तरह के बदलाव रहे, और उसके बाद हम जानने वाले थे मेकिंग ए सोशलिस्टिक सोसाइटी, किस तरीके से एक सोशलिस्टिक सोसाइटी का निर्माण होने वाला है। आइए जानते हैं, ड्यूरिंग द सिविल वार द बोलशेविक केप इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। उस समय के दौरान सिविल वार के दौरान बोलशेविक चाहते थे कि जो ये इंडस्ट्रियां हैं, बैंक हैं, इन्हें नेशनलाइज किया जाए। दे परमिट पीसेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। मुख्य रूप से वे परमिट बना रहे थे उन किसानों का जो खेती करते थे और भूमि के लिए उन्हें सोशलाइज्ड करने की कोशिश कर रहे थे। बोलशेविक यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। इसके अलावा बोलशेविक जो वर्कर थे, वे पूरी तौर पर ये देख रहे थे कि उस भूमि पर कौन सी चीज़ की जानी है, किस तरह का कलेक्टिव वर्क होना चाहिए, ये सब चीज़ों का भी वे ध्यान रख रहे थे। ए प्रोसेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। यही कारण है कि इस समय के दौरान हम मान सकते हैं कि एक केंद्रीकृत प्लानिंग चल रही थी, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग चल रही थी जो चीज़ों को लेकर चल रही थी। ऑफिशियल्स असेस हाउ टू इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर ए 5 ईयर पीरियड। इसके अलावा ऑफिशियल्स असेस कर रहे थे कि इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से काम कर रही है, और इसके आधार पर वे एक सेट कर रहे थे टारगेट को, जो 5 साल का टारगेट था। 5 साल के प्रत्येक टारगेट के हिसाब से वे इस चीज को कर रहे थे। ऑन द बेसिस दैट मेड द 5 ईयर प्लान। यही कारण है कि यहाँ से पंचवर्षीय योजना के रूप में प्लान आने शुरू हुए। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। मुख्य रूप से गवर्नमेंट ने प्रमोट किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, और पहले 2 प्लानों के दौरान इन्होंने फिक्स कर दिए सभी प्रकार के प्राइजेस को। 1927 से लेकर 1932 और 1933 से 1938 के बीच ये प्लान रहे। सेंट्रलाइज्ड प्लान लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरह के सेंट्रलाइज्ड प्लानों ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत तेजी से ऊपर उठाया, जिसके कारण ये सेंट्रलाइज्ड प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते जा रहे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी अपनी, वह बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं उस समय के दौरान कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो सीधी सी बात है सीधा सीधा प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इस वजह से इंक्रीज होता जा रहा था। बिटवीन 1929 टू 1933 लगभग 100% तक के देखने को मिलते हैं ऑयल, कोयले और स्टील के, जो इस प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहे थे। न्यू फैक्ट्री सिटीज कम इनटू बीइंग, और नए शहरों का भी निर्माण उस समय के दौरान हो रहा है। यही कारण है कि ये फिगर 14 आपको दिखाई गई है। ये फिगर 14 दिखा रही है कि उस समय के दौरान किस तरीके से रशिया डस्ट में या धूल में भरा हुआ है। द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज इज ब्रीथिंग ऑफ द सोवियत रशिया, कि किस तरीके से यह पोस्टर दिखा रहा है कि धुआं जो निकल रहा है उसे पूरा शहर सांस लेने में यूज कर रहा है, या फिर उसी से पूरा सोवियत रशिया सांस ले रहा है। इसके अलावा सोशलिस्ट कल्टिवेशन इन ए विलेज इन द यूक्रेन के रूप में आपके पास एक बॉक्स है। आइए जानते हैं कि क्या परिस्थिति दिखाई गई है। कम्युनिज्म वाज सेट अप ड्यूरिंग द 2 फॉर्म एज ए बेस। उस समय के दौरान एक कम्युनिज्म
सेटअप की गई थी जो दो फार्मों के बेस पर थी. द कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ 13 फैमिलीज विद ए टोटल ऑफ 70 persons. यह कम्यून जो थी कुल मिलाकर 13 फैमिलियों की थी जिसमें टोटल 70 लोग थे. द फार्म टूल्स टेक फ्रॉम द फार्म वर टर्न ओवर द कम्यून. और इस तरीके से फार्म टूल्स वगैरह इन्हें दिए गए थे. फार्म के अंतर्गत इन्हें टर्न करवा दिया गया था. द मेंबर एट द कम्युनल डीलिंग हॉल एंड इनकम वाज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव कम्युनिकेशन सॉरी कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन कम्युनिटी. मुख्य रूप से ये मेंबर मिलजुल कर काम करते थे. इनकम को जो भी आती थी उसे डिवाइड कर दिया जाता था उस सिद्धांत के हिसाब से जिस हिसाब से कोऑपरेटिव रूप से ये काम करते थे. द एंटायर प्रोसीड द मेंबर लेबर एज वेल एज द ड्विलिंग एंड फैसिलिटीज बिकमिंग टू द कम्यून वर शेयर्ड बाय द कम्यून मेंबर्स. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से मेंबरशिप दिखाती थी उन लेबर की जो दिखाती थी कि ये फैसिलिटीज को किस तरीके से अपने आप में बांटते हैं इस चीज को शेयर करते हैं कम्यून मेंबर के रूपों में. इसके अलावा हम जानने वाले हैं इसके बारे में. However, rapid construction led to the poor working conditions. मुख्य रूप से बढ़ता हुआ यह कंस्ट्रक्शन लगातार चीजों को चेंज करता जा रहा था जिसके कारण वर्किंग कंडीशनों की भी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी. इन द सिटी ऑफ मैजिस्टॉक ग्रोक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील प्लांट वाज अचीव इन 3 ईयर. और लगभग इस शहर के अंतर्गत हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्टील प्लांट का जो 3 सालों के आसपास हुआ है. इसके अलावा वर्कर्स लिव्ड हार्ड लिव इन रिजल्ट ऑफ 50 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन. और लगभग हम उन लोगों की कठिन जीवन को देखते हैं जो लगभग 550 स्टॉपेज के रूप में वर्क करते हैं पहले ही साल में. इन द लिविंग क्वार्टरल इन द विंटर टाइम एंड 40 डिग्री बिलो. ये लगातार काम करते हैं अपने क्वार्टर्स में. विंटर टाइम में भी 40 डिग्री से नीचे के तापमान में भी काम करते हैं. पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर एंड डस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट इन द ऑर्डर ऑफ द गो टू द टॉयलेट. और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को चढ़ना उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है और खासकर टॉयलेट जाने के लिए भी उन्हें 4 फ्लोर तक सर्दियों में उतरना पड़ता होगा. इस तरह की समस्याएं वहां देखने को मिलती हैं. इन द एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड. और किस तरीके से उस समय के दौरान होने वाले विकास के साथ साथ स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप करता है. एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेशेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज. और साथ ही हम देखते हैं कि किस तरह के एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं फैक्ट्री वर्कर्स द्वारा कि किस तरीके से किसान धीरे धीरे यूनिवर्सिटियों का हिस्सा बनने लगते हैं. वर एस्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. किस तरीके से इन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है फैक्ट्रियों में और किस तरीके से बच्चे भी की माएँ काम करती हैं. चीफ पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड. सस्ते दामों पर किस तरीके से वहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर द वर्कर्स. एक अच्छा मॉडल तैयार किया जाता है वर्करों के रहने के लिए क्योंकि तेजी से बढ़ते हुए यह डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ते हुए कलेक्टिव आवर्स को बढ़ा रहा है. दोनों में ग्रोथ के कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वर्किंग आवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं. वर्किंग आवर्स बढ़ने के कारण हम देख रहे हैं कि जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ती जा रही है. और जिसके कारण इस तरह की सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके. इन चीजों को क्रियान्वित करवाने की कोशिश की जा रही है. आइए आगे समझते हैं. मॉडल लिविंग इन द क्वार्टर्स वाज सेट अप ऑफ द वर्कर्स. द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज अनइवन थ्रो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड. और देखा जा रहा है कि यह प्रभाव डाल रही है सभी चीजों पर क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं.
इसके अलावा हम फिगर 15 को देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे सोवियत स्कूल रशिया में काम कर रहे हैं 1930 में, बच्चों को पढ़ते हुए सोवियत इकोनॉमी को दिखाया गया है। इसके अलावा फिगर 16 में आप देख बच्चे को देख सकते हैं मैजिस्टोग्रोक के अंतर्गत 5-year plan के अंदर काम करते हुए, ही वर्किंग फॉर सोवियत रशिया, ये सोवियत रशिया के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा आप फैक्ट्री डिनिंग हॉल को देख सकते हैं 1930 में, कि किस हद तक आप इस डाइनिंग हॉल को देख रहे हैं कि फैक्ट्री में अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। डाइनिंग हॉल के दौरान सभी वर्करों को अच्छा खाना प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही जा रही है ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा सुधरे, हेल्थ कंडीशन सुधरे ताकि वे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ते हुए चीज़ों को बदलता चले जाए। आइए जानते हैं इसी के साथ सोसी के बारे में, जहाँ पर एक बच्चा अपने दादा को एक पत्र लिख रहा है, साथ ही वे कुछ सपने और रियलिटीज को इसमें दिखा रहा है। सोवियत चाइल्डहुड के रूप में 1933 के आसपास डियर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर का नाम है शायद उस बच्चे के, माई फैमिली इज राज, मेरी फैमिली बड़ी है, देयर आर 4 children, यहाँ पर 4 बच्चे हैं, वी डोंट हैव ए फादर, हमारे पास पिता नहीं है, ही डाइड फाइटिंग फॉर द वर्कर कॉज, वे लड़ते हुए मर गए फाइटिंग करते हुए वर्कर कॉज को लेकर, एंड माई मदर इज अलाइव, मेरी मदर अभी हैं, आई वॉज टू स्टडी वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, बट आई कॉन्ट गो टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ, आई हैड सम ओल्ड बोर्ड्स बट दे आर कम्प्लीटली टर्न एंड नो वन कैन मेक दैम, मेरे पास कुछ पुरानी किताबें हैं लेकिन वे पूरी तरीके से फट चुकी हैं और मैं उनसे अब ज़्यादा नहीं सीख पाता, माई मदर इज सिक, मेरी माता बीमार है, वी हैव नॉट मनी नो ब्रेड, हमारे पास ना तो पैसा है ना ही खाने के लिए रोटी है, बट आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, दे आर स्टैंड बिफोर अस द टास्क ऑफ स्टडी, और इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं पूरी तरीके से अध्ययन करना चाहता हूँ, अध्ययन करते रहना चाहता हूँ और करते रहना चाहता हूँ, दैट इज वाट वोल्डिमिर इलिच लेनिन सेड, और इस तरीके से वोल्डिमिर इलिच लेनिन कहते हैं, जो उनमें से ही एक बच्चे हैं। साथ ही वो बताते हैं कि किस तरीके से लाइफ चल रही है, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, इन चीज़ों को बताते हुए वे बताते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। इसी के साथ वे कहते हैं पर्टिकुलर तौर पर आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ रहा है या रोकना पड़ रहा है अभी। इसी के साथ वेल्डिंग लेनिन बताते हैं अपने पर्टिकुलर समय के बारे में और दर्शाते हैं कि उस समय में स्कूल जाना मैंने छोड़ दिया था और मेरे कोई रिलेटिव भी नहीं है जिसके कारण मुझे कोई हेल्प मिल पाए, सो आई हैव टू गो टू वर्क इन ए फैक्ट्री, यही कारण है कि मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है और मुझे यह काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भूखा नहीं देख सकता, तो डियर ग्रैंडफादर मैं 13 साल का हूँ और मैं कोई भी बैड रिपोर्ट नहीं है अपनी स्टडी के अंतर्गत और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। ये 1933 के आसपास 13 साल के बच्चे वर्कर के रूप में जो काम कर रहा था केलिन को लिखते हैं जो सोवियत के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें ग्रैंडफादर के रूप में इसमें प्रमोट किया गया है या दिखाया गया है। इसके अलावा हम स्टैनलिज्म और फ्लक्चुएशन के बारे में जानने वाले हैं, स्टैनलिज्म क्या था और फ्लक्चुएशन क्या था। स्टैनलिज्म एक प्रकार का स्थानीयवाद था जो उस समय के कलेक्टिव नॉलेज को दिखाता है या फिर उस समय के लोगों के बारे में पर्टिकुलर दर्शाने की कोशिश करता है। यह पीरियड था अर्ली प्लैंड इकोनॉमी को देखते हुए जो लिंक करता था उस तरह के डिजास्टर को जो कलेक्टिवेशन को दिखाते थे एग्रीकल्चर के। 1927 से 1928 के बीच में हम टाउन को देखते हैं सोवियत रशिया के जो फेस कर रहा है इस तरह के एक्यूरेट प्रॉब्लम को जिसमें ग्रेन सप्लाई नहीं हो पा रही है, साथ ही हम गवर्नमेंट के फिक्स प्राइजों को भी देख रहे हैं जिसमें वह ग्रेन को सोल्ड करना चाहता है और साथ ही साथ पेशेंट साफ रिफ्यूज कर रहा है उसे सेल आउट करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट जो बायर से प्राइस पा रहा है वो बहुत कम पा रहा है
और उस हिसाब से जो है सेल करना चाहता है वह सही नहीं है। इसके अलावा फिगर 18 में आप पोस्टर देख रहे हैं ड्यूरिंग कल्टीवेशन कलेक्टिवेशन के आधार पर कि वी सेल स्ट्राइक एट द कुक एंड वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन कल्टीवेशन। हम पुलक वर्किंग को पूरी तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं इसकी, क्योंकि ये इसमें कल्टीवेशन डिक्रीज होता जा रहा है। स्टालिन हु हैड इट द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन। स्टालिन एक हेड थे पार्टी के जो लेनिन की डेथ के बाद बने थे। इन्होंने एक फार्म में इमरजेंसी को मेजर करते हुए चीज़ों को दिखाया था। इन्होंने विश्वास दिलाया था कि किस तरीके से पीसेंट्स बढ़ेंगे, धनवान होंगे, व्यापारी बनेंगे और साथ ही साथ कंट्री साइड के अंतर्गत होल्डिंग करते हुए ये स्टॉक को लेकर चलेंगे हायर प्राइसेस की ओर। एक्सप्लोरेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाई कॉन्फिकेटेड। और इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ये सप्लाई को लेकर कॉन्फिकेटेड थे और इस चीज़ को लेकर चलना चाहते थे। 1928 के आसपास हम पार्टी मेंबर्स के रूप में इसे देखते हैं कि किस तरीके से ग्रेन का प्रोडक्शन एरिया के अंतर्गत बढ़ता जा रहा था और सुपरविजन के अंतर्गत इन्फोर्स किया जा रहा था ग्रेन कलेक्शन करने के लिए। इसके अलावा रेडिंग की जा रही थी कुलक्स नाम के वर्करों के लिए। ये नेम उन लोगों के पेशेंट्स के लिए यूज किया गया है जो वहाँ पर काम करते थे। स्टोरेज को कंटिन्यू बनाया जा रहा था और इस डिसीजन को लेकर चला जा रहा था। एक साथ ही इन्हें कलेक्टिव फॉर्म के रूप में लेकर चला जा रहा था। इट वाज आर्गुड दैट ग्रेन स्टोरेज वाज पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। साथ ही साथ हम आर्ग्यू करते हुए इस ग्रेन शॉर्टेज को देखते हैं जो दिखाती है पर्टिकुलर उस समय के दौरान कि कैसे ये स्मॉल साइज के साथ होल्ड पर चल रही है। आफ्टर 1917 लैंड हैज बीन गिवन ओवर द पीसेंट। 1917 के बाद जैसे कि ये भूमियाँ किसानों को दे दी गई थी। दे स्मॉल साइज पीसेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। लेकिन उस समय के दौरान भी इन छोटे फार्मों को मॉडर्नाइज नहीं किया गया था। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन विद द मशीनरी इट वाज नेसेसरी टू इलिमिनेट कुलुक्स। और मुख्य रूप से इन फार्मों को मॉडर्न फार्म के रूप में डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइन के अंतर्गत मशीनरी लाने की जरूरत थी और इन्हें लोगों को जो कुलुक्स के रूप में वर्क कर रहे थे इन्हें एलिमिनेट करने की जरूरत थी और इसके लिए इन्हें उनकी भूमि से हटाना पड़ता इन किसानों को, जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश की जा रही थी स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म के रूप में। बट फॉलोड एंड द स्टेलिंग कलेक्टिव प्रोग्राम्स से साथ ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि कौन सी चीज़ें स्टेलिंग के कलेक्टिव प्रोग्राम को लेकर चलती हैं। फ्रॉम द 1929 के आसपास हम पार्टी को देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स किया जा रहा था इन किसानों को कल्टिवेट करने के लिए कलेक्टिव फार्म्स के अंतर्गत। साथ ही हम ब्लॉक ऑफ लैंड को देखते हैं जो इम्प्लीमेंट के रूप में दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर्ड किया जा रहा है ओनरशिप को और कलेक्टिव फॉर्म्स को। पीसेंट्स वर्क ऑन द लैंड कि किस तरीके से किसान भूमि पर काम कर रहे हैं और प्रॉफिट का शेयर प्राप्त करना चाहते हैं। इनरेज पीसेंट्स रिजाइन द अथॉरिटी एंड द डिस्ट्रॉय देयर लिव स्टॉक। और साथ ही ये देखने को मिलता है कि ये किसान किस तरीके से अथॉरिटी को लेकर चल रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने लिविंग स्टॉक को। 1929 और 31 के बीच हम नंबर ऑफ कैटल्स फील्ड को देखते हैं जो लगभग एक तिहाई है। साथ ही हम उन लोगों को देखते हैं किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उन्हें कलेक्टिवेशन के अंतर्गत कि किस तरीके से वे बार बार परेश किए जा रहे हैं और पनिश किए जाने के बाद उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें उनके स्थान से हटा दिया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा। इन्हें फोर्सफुल्ली उनके स्थान से हटाने की कोशिश की जा रही है उनकी कंट्रीज के आसपास, या फिर उन्हें कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वे आर्ग्यू करें, किस तरीके से उनसे के साथ बहस की जा रही है। साथ ही हम देखते हैं कि दे मेरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फॉर्म्स टू वेरी ऑफ रीजन। और इसमें हम विभिन्न प्रकार से इन्हें काम करते हुए देखते हैं कलेक्टिव फार्म के अंतर्गत।
जहाँ पर हम स्टालिन गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड किए करते हुए देखते हैं इंडिपेंडेंस कल्टीवेशन को, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर अनसिस्टमैटिकली, उन लोगों के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ये भी देखने को मिलता है। तो इस पेज को हम यहीं तक, इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, और साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम जानेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि इसके साथ साथ किस तरह के चेंजेस उस समय के दौरान आए, किस तरह के बदलाव आए सोशलिज्म इन रशिया में, स्टालिनवाद ने किस तरीके से कलेक्टिवेशन को लेकर स्टालिनवाद चला, या स्टालिन नाम का व्यक्ति किस तरीके से शासन में आने के बाद इन चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।